चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है अशोक का, राजस्थान से। पूछिए अशोक। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल है कॉपर पे, एक्चुअल में क्या कल बहुत सैलाब नीचे आ गया था और कॉपर मैंने बाइंग कर दिया सर, बहुत टूटा था 53 से क्या है नीचे आ गया, मैंने देखा बाइंग कर लेते हैं। अच्छा, तो सर 38 पे 3 पोजीशन बनाई है कॉपर में। 438 पर 3 लॉट बाई किया है। जी जी सर, तो अब निकलने का मौका मिलेगा या एग्जिट होकर वापस सेल करते हैं सर? बताइए अमित जी क्या करें, 438 के भाव पर 3 लॉट कॉपर इन्होंने खरीदा है, क्या इनको अभी बने रहना चाहिए, निकलने का मौका मिलेगा, क्या सुझाव देंगे आप? जी देखिए, प्योरली शॉर्ट टर्म यानी एक से दो दिन के लिहाज से तो मुझे लगता है पहले प्राइसेस 430 या उससे नीचे आएगी, उसके बाद इनको एक मौका जरूर मिलेगा। 437-438 तक प्राइसेस जा सकती हैं, तो अगर आप 430 तक रुक सकते हैं तो एक रिबाउंड मिलेगा, वहां निकल जाइएगा। ठीक है, अगला सवाल है अनिल का, चुरू से। पूछिए अनिल। हाँ सर नमस्ते। नमस्कार, पूछिए। 4500 के भाव पर आपने मई कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, आप जानना चाहते हैं कि 30 मई तक, ये जानना चाह रहे हैं ना आप? जी सर। कि क्या 5000 का भाव दिखेगा, क्या लगता है आपको अमित जी? देखिए तेजी तो लग रही है जैसे अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था हमने, बट अपसाइड जो है 5000 नहीं, फिलहाल 4700 का बेस्ट केस सिनेरियो दिख सकता है इस महीने के अंदर अंदर, बट करंट भाव से अच्छा खासा अप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये राय आपके लिए ग्वार पर है, इस वक्त मार्केट में करीब 0.25% की मजबूती दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर को देखते हैं। कैस्टर को लेकर अमित क्या व्यू है आपका, कैस्टर में क्या अभी बाई करना ठीक रहेगा? जी हाँ, आई थिंक डिमांड सप्लाई जो इक्वेशन है अभी भी डिमांड के फेवर में है, मुझे लगता है कि अभी भी 6000 के ऊपर प्राइसेस दोबारा निकल सकती हैं, तो मैं तेजी प्रेफर करूंगा वेरी शॉर्ट टर्म, लेकिन अगर आप कोई टाइमिंग करना चाहता है तो मुझे लगता है 100 से 150 रुपए की और गिरावट हो सकती है, जिसके बाद इसमें तेजी आ सकती है, तो करीबन 5500 के आसपास बाय किया जा सकता है। ओके ठीक है, 130 रुपए ऊपर कैस्टर में ट्रेड हो रहा है, 5652 ये लेवल कैस्टर का हमें देखने को मिल रहा है और करीब करीब 2.5% की मजबूती है इस वक्त कैस्टर में। अगला सवाल है श्रीनिवास का, पूछिए श्रीनिवास। जी गुड आफ्टरनून मृत्युंजय सर। गुड आफ्टरनून जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात कर से। जी जी शुक्रिया जी, जी नेचुरल गैस में बाय करना चाहता हूँ सर, उसमें सलाह दीजिए। नेचुरल गैस में आप बाय करना चाहते हैं, अमित जी क्या जो ताजा भाव है नेचुरल गैस का, ये बाइंग के लिहाज से ठीक है या फिर किसी पर्टिकुलर लेवल के लिए वेट करना चाहिए? जी देखिए, ये डिपेंड करता है नजरिए पे कि कितना लंबा आउटलुक है आपका। अगर यू नो 15 से 20 दिनों का अगर आपका नजरिया है तो जो 170 के रिसेंट लो बने हैं मुझे लगता नहीं अब वो निकलेंगे जल्दी, तो अगर उस नजरिए से बाय करते हैं तो यहां पर भी कर सकते हैं, 176-177 आता है तो एवरेज भी कर सकते हैं। अपसाइड में मुझे लगता है कि करंट जो पुल बैक आ रहा है वो 195 के करीब तक जा सकता है, तो थोड़ा लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली मार्केट पे भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपके लिए MCX पर नेचुरल गैस में है, 182 के आसपास यहां पर ट्रेड हो रहा है। ओके इसके अलावा मेटल मार्केट को देखें अगर, तो मेटल में आपको लेड और एल्युमिनियम ये दो काउंटर अमित जी कैसे दिख रहे हैं अभी ट्रेडिंग के लिहाज से? जी आई थिंक लेड कंसिस्टेंटली पिछले दो महीनों से वीक बना हुआ है, जो भाव 150 के आसपास आए 130 के नीचे, बट अभी भी कोई रिवर्सल का साइन नहीं दिख रहा है उसमें। मुझे लगता है जब तक 134 के नीचे है तब तक इसमें 125 तक जाने की भी पॉसिबिलिटी है, तो लेड में अभी भी बिकवाली की सलाह है, यू नो यहाँ से 3 से 4 रुपये डाउन साइड हो सकता है। बट जहां तक एल्यूमिनियम का सवाल है, काफी रेंज बाउंड काउंटर है, आई डोंट थिंक ये 142-143 के नीचे जाएगा, तो डाउन साइड लिमिटेड लग रहा है, बट एट द सेम टाइम अपसाइड भी जो है 150-152 के आसपास है, तो काफी सीमित दायरे में ट्रेड करने की उम्मीद है। ठीक है, ये राय आपके लिए लेड और एल्युमिनियम पर है, 147 के स्तर पर इस वक्त MCX पर एल्युमिनियम में ट्रेडिंग हो रही है। अगला सवाल है सुदर्शन का, छत्तीसगढ़ से है। पूछिए सुदर्शन। सुदर्शन आपको आवाज आ रही है? 5000 जा सकते हैं सर, जाना जून तक के। आपको आवाज आ रही है? हाँ सर पूछिए। जाना जून तक के। आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, जून तक के 5000 जा सकता है क्या? चना जून तक क्या 5000 तक जा सकता है, क्या कोई संभावना आपको दिख रही है अमित जी?
देखिए 5,000 मेरे हिसाब से बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टारगेट हो गया। ये पॉसिबल है कि जो गवर्नमेंट का एमएसपी प्राइस है 4,600 4,650 के आसपास, उसके करीब तक डेफिनेटली जा सकता है, बट उसके ऊपर फिलहाल नहीं जाता हुआ दिख रहा है। फिर भी करंट प्राइस से लगभग 300 रुपए का अप्रिसिएशन मिल सकता है। अगला सवाल है भावेश का कच्छ से, पूछिए भावेश। नमस्कार मुत्येंद्र जी। नमस्कार, पूछिए। जीरे में खरीदारी करके चल सकते हैं क्या इस पोजीशन पे? जीरे में क्या अभी बाइंग करने का मौका है? 16,960 यानी 17,000 के नीचे है भाव, क्या 17,000 के नीचे गिरावट बढ़ने की संभावना है या फिर ये बाइंग का मौका है? अमित जी, जी मेरे हिसाब से बाइंग का मौका है। हाँ, हालांकि मैं ये कहूंगा कि 100 से 150 रुपए और गिरावट जो है वो गहरा सकती है और हमें लगभग 16,800 तक प्राइसेस मिल सकती है, बट वहां से डेफिनेटली लिया जा सकता है। थोड़ा लंबा नजरिया लें अगेन 15 से 20 दिनों का, तो इसमें लगभग 17,600-17,700 तक प्राइसेस जा सकती है। ठीक है, ये राय आपके लिए जीरे पर है। सोयाबीन, सोया तेल, मस्टर्ड, पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या नया आउटलुक है आपका अमित जी? आई थिंक सोयाबीन में तो एक सीमित दायरे में ही कहीं ना कहीं कारोबार हो रहा है, लेकिन हाँ एक बात है कि 3,800 के ऊपर प्राइसेस स्ट्रगल कर रही है जाने के लिए, तो मुझे लगता है जो दायरे का निचला सरा है 3,600 के आसपास, वहां पर प्राइसेस आ सकती हैं। हमने सोया ऑयल में भी प्रेशर आते हुए देखा है, सीपीओ में भी प्रेशर आते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं एक एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में दबाव है और मुझे लगता है ये बरकरार रहेगा। सोया ऑयल भी करंट प्राइस से मुझे लगता है करीबन 15 से 17 रुपए की गिरावट, यानी यू नो लगभग 2% की और गिरावट हमें देखने मिल सकती है। ठीक है, अगला सवाल भावना का है बरेली से, पूछिए भावना। क्या मेंथा आपने बेचा है 1,350 पे? जी जी जी। ओके अमित जी, क्या अभी वेट करें? आज तो मार्केट गिरा हुआ है करीब 16 रुपए नीचे है और 1,350 के भाव पर इनकी सेलिंग है, तो क्या 1,300 के आसपास का लेवल आप देख रहे हैं? जी एग्जैक्टली 1,300 तो नहीं, बट 1,315 से 1,320 के लेवल्स के आसपास मुझे दिखता है कि प्राइसेस आ सकती है और हो सकता है वहां पर इमीडिएट एक सपोर्ट भी मिल जाए। फिलहाल होल्ड कीजिए, लेकिन 1,320 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल सचिन का है रामपुर से, पूछिए सचिन। हेलो जी, पूछिए। हाँ सर, मैंने 4,410 रुपए में 5 लॉट सेल कर रखी है क्रूड ऑयल, तो सर इसको क्या निकाल? 4,410 में 5 लॉट आपने बेचा है? अच्छा, 4,410 4,378 का लेवल है, फायदे में तो आप हैं ही, क्या आप प्रॉफिट बुक कर लें या अभी और प्रॉफिट का वेट करें? अमित, मेरे हिसाब से अगर इनकी कैपेसिटी है तो एक बार स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, अपना स्टॉप लॉस लगा लें 4,435 के आसपास और होल्ड करें। जैसे मैंने 4,340 का एक टारगेट दिया है, वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक, ये राय है क्रूड के ऊपर कि आपको करना क्या है। 1% नीचे इस वक्त कच्चे तेल में ट्रेड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है रियाज का, रियाज पूछिए। हाँ सर, मैं गोल्ड और सिल्वर में लॉन्ग टर्म बाय करने का व्यू चाहता हूँ। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर में लॉन्ग टर्म के लिए आप बाइंग करना चाहते हैं, क्या लंबे समय के लिए खरीदारी का सही भाव है ये अमित जी? आई थिंक मेरे हिसाब से इन्हें और बेटर लेवल्स मिल सकते हैं, तो लंबे समय के लिए भी अगर यू नो तो 1 हफ्ता 10 दिन रुक जाए तो हो सकता है इन्हें 300 से 400 रुपए नीचे प्राइसेस मिल जाए गोल्ड की। सिमिलरली चांदी हो सकता है इन्हें 700 से 800 रुपए लगभग 36,000 के आसपास मिल जाए। आई वुड रिकमेंड कि लॉन्ग टर्म के लिए भी फिलहाल वेट कीजिए, बट हाँ उन लेवल्स पे अगर 31,000 के करीब गोल्ड मिलता है तो डेफिनेटली ले लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अगला सवाल है प्रवीण का पुणे से, पूछिए प्रवीण। नमस्ते सर, मेरा एक्चुअली क्रूड में पोजीशन फंसा हुआ है, 4,500 पे 5 लॉट है। ओहो, तो बाई क्या हुआ है आपने? जी सर जी। ओहो, 4,500 पर बाइंग है, दाम काफी नीचे आ गए हैं, क्या कुछ उपाय है नुकसान कम करने का अमित जी? बस इतना ही है कि एक बार एक छोटा उछाल 4,410 तक दिख रहा है ऊपर आते हुए 31 रुपया ऊपर, मैं रिकमेंड करूंगा कि वहां पर एग्जिट हो जाइए। सेकेंड ऑप्शन वुड बी कि अगर ये ऑप्शंस में खेलते हैं तो एक बार 4,300 का पुट लेके चला जा सकता है अपनी पोजीशन हेज करने के लिए। ठीक है, भरत हैं, अगला सवाल भरत का है इंदौर से, पूछिए भरत। सर वो कॉपर और क्रूड में फ्रेश बाय लेना चाहता हूँ सर, क्या यहाँ से ले सकते हैं? ओके, फ्रेश बाइंग करने का मौका है क्या क्रूड और कॉपर में अमित जी? आई थिंक कॉपर में 430 के नीचे भाव मिल सकते हैं, वहां पर बाय कीजिए, 438 तक एक बार रिकवरी आ सकती है वहां से। क्रूड में फिलहाल मैं सलाह नहीं दूंगा, क्रूड में वेट करना चाहिए बाइंग के लिए। ठीक है,
तो कॉपर में फ्रेश बाइंग तो बनती है, लेकिन अमित कह रहे हैं कि क्रूड में भी आप अवॉइड करें। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे होगा एग्री मार्केट में चने के ऊपर, चना वायदा यहाँ से आपको लॉन्ग टर्म की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते तक क्या देख रहे हैं टारगेट इसका? जी देखिए, वेरी शॉर्ट टर्म तो मुझे लगता है कि एक बार 4300 के नीचे भाव स्लिप हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा फिलहाल नहीं दिखता है। तो 4280-90 की एरिया यू नो हफ्ते भर में दिख सकती है, उसके बाद में मैं समझता हूँ कि प्राइसेस में रिकवरी दोबारा चालू हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है देव का रोहतक से, पूछिए देव। 132.50 पे तीन लेड लिया है आपने, बताइए अमित जी। हाँ जी, हाँ जी, क्या होल्ड रखना है, कुछ स्टॉप लॉस बता दीजिए। बताइए जी। देखिए लेड के प्राइसेस थोड़ा लंबा नजरिया लेंगे तो लगभग 126 से 125 तक जाते हुए दिखती हैं, तो मैं बुलिश नहीं हूँ। लेकिन आपको अगर स्टॉप चाहिए तो मेरे हिसाब से 128.50 यानी 129 के जस्ट थोड़ा नीचे आप अगर स्टॉप लगा के होल्ड करें तो हो सकता है 131 तक प्राइसेस मिल जाए, वहां पर निकलने की कोशिश कीजिए। ओके, और अगर होल्ड करना चाहें ये तो आई थिंक फिर 128.50 का स्टॉप इनफ है। यू नो बेस्ट केस सिनेरियो में जो देखता हूँ शायद इनके कॉस्ट टू कॉस्ट मिल जाए, बस उससे ज्यादा नहीं दिखता है। 134 का रेजिस्टेंस अच्छा है लेड में। 134 का आप कह रहे हैं कि अच्छा रेजिस्टेंस है? हाँ जी। ओके, 134 का रेजिस्टेंस है, लेकिन अमित वैसे क्या लंबे समय के लिए कोई आउटलुक बहुत मजबूत है क्या इसका? जी नहीं, जब यू नो 125 तक अगर जाता भी है तो वहां से रिबाउंड आके 134-135 तक ही आएगा मेरे हिसाब से। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।